मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स आज अपन बात करने वाले हैं एक और बहुत ही बड़े सोशियोलॉजिस्ट जिनका सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड में बड़ा नाम, द पायनियर सोशियोलॉजिस्ट उनको माना जाता है, और वो है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम के लिए ये कहा जाता है कि ऑगस्ट कॉम्ट ने जिस सोशियोलॉजी का फाउंडेशन रखा है उसको आगे बढ़ाने का, उसको डेवलप करने का जो अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो इमाइल दुर्खिम को जाता है। और दुर्खिम के बारे में मैं एक बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि दुर्खिम की जो अप्रोच थी, दुर्खिम ने जो भी सिद्धांत दिए हैं उन सारे ही सिद्धांतों में एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से निकल कर के सामने आती है, और वो ये है कि दुर्खिम ने हमेशा ही सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यानी कि उनका हमेशा ही ये मानना रहा है कि सोसाइटी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिविजुअल की तुलना में उन्होंने हमेशा ही सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, सोसाइटी, लोग, है ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इवन उन्होंने जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की स्टडी करता है, मतलब सामूहिक व्यवहारों की, है ना, मतलब जहाँ समूह है, लोग है, समाज है, उसकी स्टडी की बात या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की जो बात है वो दुर्खिम की स्टडीज़ के अंदर देखने को मिलती है। दुर्खिम ने जो मेन मेन जो कॉन्सेप्ट दिए हैं अपन जब उनकी बात करेंगे तो उसमें भी आप ये ज़रूर पाएंगे कि उन्होंने वास्तव में सोसाइटी को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी। कई लोग तो इवन जो है इसको लेकर के क्रिटिसाइज भी करते हैं उनको, लेकिन फिर भी दुर्खिम जो है वो बहुत बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, और वो जो एक प्रेजेंटेशन है वो भी आप लोगों के आगे रख देता हूँ मैं, जो आपने, हालांकि आप लोगों के पास ऑलरेडी है वो, ये देखिए, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं ये, फ्रांसीसी हैं ऑगस्ट कॉम्ट की तरह ही, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तो इमाइल दुर्खिम का जो लाइफ टेन्योर है वो 1858 से लेकर के 1917 तक रहा है ना। ये भी खैर मैक्स वेबर की तरह ही बहुत ज़्यादा सर्व नहीं कर पाए थे सोसाइटी को, सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड को। 59 इयर्स की एज में ये दुनिया से चले गए थे। हालांकि इनके जाने के पीछे एक बहुत बड़ा सेटबैक इनकी लाइफ में था, इनका जो बेटा था वो वर्ल्ड वॉर के अंदर मारा गया था, उसकी वजह से जो एक हार्ट ब्रोकन स्टेज थी, कहीं ना कहीं एक सदमा था इनके जीवन में, उसकी वजह से इनकी बेअसामयिक मृत्यु हो गई थी। इनका जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1958 को हुआ था, एक छोटे से टाउन में हुआ था, वहाँ पे एक एपिनल एक टाउन है फ्रांस के अंदर, वहाँ पे हुआ था। और इनके जो शुरुआत से, ये भी बहुत ही इंटेलिजेंट थे, कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, धार्मिक नेचर के व्यक्ति रहे हैं। इनकी इनका जो एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी पब्लिकेशन, ऑल दी बुक्स विच ही हैज़ रिटन, एक एक जर्नल इन्होंने शुरू किया था अराउंड 1898 के आसपास, है ना। वो जर्नल जो है ये 1897, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फाउंड्स एनी सोशियोलॉजिक द फर्स्ट सोशल साइंस जर्नल इन फ्रांस एंड पब्लिशेज हिज फेमस स्टडी सुसाइड। इनका ये जो जर्नल है इसका भी समाजशास्त्री जगत में बहुत बड़ा नाम रहा है, एनी सोशियोलॉजी का, उस जमाने का ये एक बहुत ही बड़ा जर्नल था जिसमें सोशियोलॉजी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मौलिक फंडामेंटल जो रचनाएं हुआ करती थी वो इसमें पब्लिश होती थी। इवन सुसाइड की जो इनकी थ्योरी है वो भी इसके अंदर ही पब्लिश हुई थी। कॉम्ट की जो पर्टिकुलर बुक्स हैं उनके नाम मैं आप लोगों के आगे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। एक इनकी फेमस बुक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल सर, मैटर। हाँ बोलिए। कॉम्प नहीं दुर्खिन। थैंक यू। एक तो इतने सारे एक साथ हर दिन अलग अलग होते हैं तो स्ट्रिप हो जाता है। चलिए, इमाइल दुर्खिम।
जी सर। दुर्खिम जो है, दुर्खिम की जो एक बुक है वो है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, है ना। इस बुक के बारे में और इसमें जो उन्होंने रचना दी है सामाजिक तथ्य की या सोशल फैक्ट की, उसकी भी बात अपन करेंगे। अभी अपन बुक्स के नाम को अपन जो है एक बार मेंशन कर रहे हैं, तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये एक इनकी काफ़ी फेमस बुक रही है। इसके अलावा एक बुक इनकी रही है ली सुसाइड, दुर्खिम की बुक है ली सुसाइड, जिसका बाद में हिंदी में सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था दी सुसाइड नाम से, है ना। ली सुसाइड तो ये फ्रेंच में लिखी हुई बुक थी, फिर बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका हुआ द सुसाइड। तो ये दो किताबें तो ये हो गई। तीसरी जो इनकी बुक है वो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये बेसिकली क्या है कि दुर्खिम की जो पीएचडी थीसिस थी, जो इन्होंने पीएचडी करी थी, उसका रिसर्च वर्क था ये डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की है, श्रम विभाजन की बात की है, उसके भी अपन डिस्कस करेंगे। और एक इनकी जो बुक है वो है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें इन्होंने रिलीजन का जो ओरिजिन है वो किस तरह से होता है उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो ये दुर्खिम की मेन मेन बुक्स हैं। इसके अलावा और भी तीन चार बुक्स हैं इनकी, एनोमी के ऊपर भी बुक है ना। पर ये चार जो किताबें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिनके साथ में दुर्खिम का नाम बहुत ही गहराई के साथ में जुड़ा हुआ है। और जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, दुर्खिम ने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड को, उसमें एक तो है थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, एक सुसाइड या आत्महत्या का सिद्धांत, एक इन्होंने दिया है डिवीजन ऑफ लेबर इनकी श्रम विभाजन का सिद्धांत, और एक धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। तो ये चार प्रमुख सिद्धांत इन चार प्रमुख किताबों में दिए गए हैं, जिनका उल्लेख अभी मैंने किया था। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं सामाजिक तथ्य की, सोशल फैक्ट, जो इन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में जिसकी चर्चा इन्होंने की थी दुर्खिम ने, सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट। देखिए, सोशल फैक्ट जो होता है नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सोशल इम्पोर्टेंट है। और मैंने शुरुआत में भी क्या कहा था कि दुर्खिम ने हमेशा ही सोसाइटी को, सोशल एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने दी है। सोशल फैक्ट के बारे में दुर्खिम का ये कहना है कि सोशल फैक्ट जो होते हैं वो और कुछ नहीं है, वो हमारे सोचने, हमारे विचार करने और हमारे अनुभव करने के वो तरीके हैं जो किसी न किसी रूप में हम लोगों को प्रभावित करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कई बार क्या होता है कि हम किसी विषय के बारे में ये कहते हैं कि हमारी जो सोच है ना, हम कई बार कहते हैं ना, भाई इस विषय के बारे में मेरी सोच तो ये है। तो हमारी जो सोच होती है, जिसको हम हमारी सोच कहते हैं, बेसिकली वो कभी हमारी होती नहीं है, वो सोसाइटी की बनाई हुई होती है। ये मुद्दा है ना, हमारी सोच हमारी नहीं होती, वो सोसाइटी की बनाई हुई होती है। तो इसीलिए क्या है कि सोशल फैक्ट वही सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, हमारे विचार व्यवहार अनुभव करने के वो सारे तरीके जो हमको एक विशेष दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं या बाध्य करते हैं, वो सब के सब क्या है, वो सब के सब सामाजिक तथ्य हैं या सोशल फैक्ट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक लड़का है, वो शादी करना चाहता है और शादी करने के लिए वो कोई लाइफ पार्टनर को सर्च करना कर रहा है। तो लाइफ पार्टनर को सर्च करते वक्त कई बार वो बड़ी शान से कहता है कि भाई मेरी तो सोच ये है कि लड़की सुंदर हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, छोटों से प्रेम करे, बड़ों का आदर करे, घर को संभाले, है ना, अच्छे चरित्र की हो, मेरी सोच तो ये है ना। वो ये कहता है कि मेरी तो ये सोच है, या मैं तो ये चाहता हूँ, या मैं ये मानता हूँ ऐसा होना चाहिए। अब उसको कोई पूछो कि भाई तू नहीं मानता है, ये तो समाज का प्रचलित सिस्टम ही यही है। यानी कि वो जिसको अपनी सोच कह रहा है, वो सोच कंस्ट्रक्ट कहाँ से हुई है,
वो सोच तो सोसाइटी से कंस्ट्रक्ट हुई है, क्योंकि समाज में यही सारी चीज़ें मानी जाती है, इन्हीं को ही मान्यता प्रदान की जाती है। तो कहने का मतलब सोशल फैक्ट में यही है कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, वो हमारे नहीं होते हैं, वो सोसाइटी से कंस्ट्रक्टेड होते हैं। हाँ, हमारा आइडिया तो आप तब कह सकते हो इसके अगेंस्ट में सोच करके या इसके अगेंस्ट में एक्ट करके देख लो कि भाई जीवन साथी चुनना है कि कुरूप हो, झगड़ालू हो, तो वो कह सकता है कि हाँ मेरी सोच ये है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे व्यूज, हमारे आइडियाज, हमारी थ्योरी है ना, हमारा माइंडसेट, ये सब किससे कंस्ट्रक्टेड रहता है? हमारी सोसाइटी से कंस्ट्रक्टेड रहता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में हम ये सोचते हैं कि ये हम ऐसा सोच रहे हैं, वो वास्तव में हम नहीं सोच रहे हैं, वो समाज हमसे सोचवाता है ना। तो इस तरह से समाज का हमारे आइडियाज़ के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है। तो सोशल फैक्ट की जो उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताई है ना दुर्खिम ने, उसमें भी उन्होंने दो मुख्य विशेषताओं की बात की है, एक तो एक्सटीरियोरिटी, दूसरा कॉन्स्ट्रेंट। एक्सटीरियोरिटी यानी बाह्य, बाह्यता, एक्सटीरियर, कि ये जो सोशल फैक्ट होते हैं वो हमारे से बाहर होते हैं, हमारे विचारों से बाहर होते हैं, है ना, और उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उसको जो है हम अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, मतलब हमारे हमारे लेवल के बाहर की चीज़ है ये एक्सटीरियरिटी। और कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है दबाव, है ना, बाध्यता, दबाव, यानी कि हम जो है इन सोशल फैक्ट के अकॉर्डिंग सोचने के लिए, विचार करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, एक्ट करने के लिए हम हमेशा ही बाध्य होते हैं, हमको करना ही करना पड़ता है ना। तो ये जो है, ये सोशल फैक्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर के ये एक रियलिटी है कि हमारी सोच हमेशा ही सोसाइटी के द्वारा निर्मित होती है, हर क्षेत्र में, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, मैरिज के क्षेत्र में जो मैंने डिसीजन मेकिंग के पर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये एक एग्जांपल दिया, तो जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं तो उनमें हमें पता ही नहीं होता है बेसिकली कि हमारी सोच जो है वो कैसे बन गई, क्योंकि हमारी सोच किससे बनती है? हमारी सोच बनती है हमारे रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, है ना, हमारे नियम। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुल मिलाकर के हमारी सोच को निर्मित करती है। तो इसलिए क्या है कि हमारी जो सोच है वो समाज की देन है, दैट इज गिवन बाय सोसाइटी। तो सोशल फैक्ट यही है जो सोसाइटी से हमको मिलता है ना, और सोसाइटी से ही निर्मित होता है। मैंने शुरू में भी कहा था आपको कि दुर्खिम ने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है हर चीज़ में, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सोसाइटी से ही बना है, सोसाइटी से ही निर्मित रहता है। तो ये सोशल फैक्ट है ना। तो सोशल फैक्ट जो है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इनका, है ना, बाकी वाले जो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उसमें इन्होंने सोशल फैक्ट को यूज़ किया है। फिर सोशल फैक्ट तो बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सोचने, विचारने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करती है ना, हमारे ऊपर दबाव डालती है और हमारे हमारी लिमिट के बाहर होती है, वो सारी चीज़ें सोशल फैक्ट है जो सोसाइटी से कंट्रोल्ड होती हैं, है ना। तो सोशल फैक्ट की तो बात ही हो गई, अब अपन बात करते हैं दुर्खिम की एक और जो थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है वो भी, आत्महत्या का सिद्धांत, ली सुसाइड, है ना, ली सुसाइड बुक के अंदर दुर्खिम ने ये सिद्धांत दिया था, आत्महत्या का सिद्धांत, जो बाद में पब्लिश हुआ था इंग्लिश में दी सुसाइड नाम की बुक से। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये बुक आज भी इतनी मौलिक, इतनी फंडामेंटल है कि अगर कोई भी व्यक्ति, भले कोई आज का रिसर्चर है, भले आज का कोई साइकोलॉजिस्ट है, अगर वो स्टडी करना चाहता है ना, अगर मान लीजिए वो सुसाइड के ऊपर किसी तरह का कोई आर्टिकल लिखना चाहता है या सुसाइड को लेकर के रिसर्च करना चाहता है, तो ये पक्की बात है कि वो दुर्खिम को पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्खिम ने जो सिद्धांत दिया है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब देखिए, आत्महत्या क्या होती है अपन सब समझते हैं, है ना। आत्महत्या तो सिंपली वो है कि जब इंसान सोच समझ करके अपनी जान खुद ले लेता है ना, अपनी मृत्यु का कारण खुद बनता है, अपनी इच्छा से अपने आप को मार देना,
वो होता है आत्महत्या, है ना, सीधी सी बात है। अब एज एन आउटसाइड क्या महसूस होता है अपने को कि आत्महत्या जो है वो एक एक्सट्रीमली पर्सनल टाइप की चीज है ना। दुनिया में जरूरी नहीं है कि सारे दुखी लोग जो हैं वो आत्महत्या करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत दुखी होते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोचने से हमको लगता है कि आत्महत्या में चूंकि इंसान अपनी जान खुद लेता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है कि आत्महत्या तो एक पर्सनल फैक्ट है, अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट चीज़ है, एक पर्सनल वाला कॉन्सेप्ट है। दुर्खिन क्या कहते हैं, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, सुसाइड इज ए सोशल फैक्ट। कुल मिलाकर के सुसाइड क्या है, कहीं ना कहीं समाज के द्वारा उत्पन्न की हुई चीज है। भले आदमी खुद को खुद मारता है, मान लिया इस बात को, लेकिन ये भी एक सोशल फैक्ट है, क्योंकि इसमें भी परिस्थितियां जो है वो इस तरह से उत्पन्न होती है, या कहीं ना कहीं इस तरह के कारण उत्पन्न होते हैं समाज के द्वारा, जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, प्रेरित करते हैं, वॉट एवर यू कैन से। तो ये जो दुर्खिम की जो ये बुक है ली सुसाइड, इस बुक में उन्होंने बहुत ही डिटेल से आत्महत्या के बारे में, जो पुराने जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट हुआ करते थे कि लोग बीमार होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, शादीशुदा लोग जो हैं वो कम आत्महत्या करते हैं, विडोवर्स जो होते हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, अलग अलग जितने भी पैरामीटर्स हैं उन्होंने सबको खारिज कर दिया। नो, ये कुछ नहीं है, ये सही नहीं है, है ना। और बुक में उन्होंने जो सोशल रीजंस होते हैं, जो सोशल फैक्टर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल, उनकी बात उन्होंने की है। इसके अलावा दुर्खिम ने सुसाइड की तीन टाइप्स भी बताई है, है ना। सुसाइड की तीन टाइप्स, तीन प्रकार बताए हैं सुसाइड के। फर्स्ट जो टाइप इन्होंने बताई है वो है इगोइस्टिक सुसाइड, जिसको कि हम हिंदी में कह सकते हैं अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक या अहमवादी। दूसरी होती है एल्टिरिस्टिक या परार्थवादी आत्महत्या, तीनों की बात करेंगे अभी अपन एक एक करके। और तीसरी होती है एनोमिक या असामान्य आत्महत्या, एनोमिक या असामान्य आत्महत्या। तो सबसे पहली पहली जो टाइप बताई दुर्खिम ने वो बताई। अब ये तीनों ही कहीं ना कहीं सोसाइटी से लिंक रहेगी, है ना, तीनों ही जो टाइप्स हैं, क्योंकि इन्होंने सुसाइड को क्या माना है, सोशल फैक्ट माना है, है ना। सुसाइड इज ए सोशल फैक्ट, वेदर यू आर किलिंग योरसेल्फ, बट इवेंचुअली समवेयर डाउन द लाइन यू विल फील दैट इट इज डिसाइडेड बाय सोसाइटी। तो इसलिए कहीं ना कहीं सोसाइटी का रोल इसमें रहता है। तो मैं बात कर रहा था टाइप्स की, सुसाइड की जो तीन टाइप्स है उसमें पहली टाइप है इगोइस्टिक सुसाइड या अहमवादी आत्महत्या। ईगो या अहम, ये उससे संबंधित है। अपने अपने यहाँ सोसाइटी में अपन वर्ड काम में लेते हैं ना कई बार, अरे भाई इसका तो ईगो बहुत ज़्यादा है, हर जरूरत से ज़्यादा ईगो रखता है, तो ईगो 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 सब बहुत काम में आता है ना। अब ये ईगो या अहम क्या होता है, ईगो या अहम वो होता है कि जिसमें इंसान समाज की तुलना में खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है, दूसरे लोगों की तुलना में वो सोचता है वो दूसरे तो कुछ नहीं है, मैं हूँ जो मैं हूँ, है ना। उस चीज़ को जो है वो ईगो का कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब ईगो वाली जो परिस्थिति होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो है वो समाज के साथ में कनेक्शन कट जाता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि नहीं, हूँ जो तो मैं ही हूँ, बाकी दूसरे लोग जो है वो मेरी तुलना में जो है वो अधम है, निम्नतर है, या जो कुछ भी इन्फीरियर है, है ना। अब जैसे कई बार होता है, कई बार कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से संबंध रखने की कोशिश करेंगे, किसी से दोस्ती रखने की कोशिश करेंगे, किसी को शादी पार्टी में बुलाएंगे, है ना, आप बुलाएंगे, अगला नहीं आता है, और कभी बुलाते हैं और नहीं आता है, चार पांच बार ऐसा हुआ तो पांच आप बुला नहीं छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है उसको बुलाने से, आता तो है नहीं, अरे उसको तो कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, अरे वो तो यूं ही है, ऐसा ऐसा करने लगते हैं ना। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, तो लोग ऐसा करने लगते हैं। और जब इस तरह की चीज होने लगती है ना,
तो वो जो व्यक्ति है उसके मन के ऊपर बहुत बुरी गुजरने लगती है। वो इंसान अपने आप को समाज से बिल्कुल कटा हुआ सा महसूस करता है, एकांतवाद से बोझिल हो उठता है वो, उसको लगता है दुनिया में मेरा कोई नहीं है, है ना। तो ये जो सेंस है, ये जो फीलिंग है, समाज से कटा हुआ होने की भावना, मतलब सोसाइटी और इंडिविजुअल का कनेक्शन कट हो गया है पूरा, है ना, कहीं है ही नहीं, सोसाइटी और इंडिविजुअल का आपस में कनेक्शन ही नहीं बचा। तो ये जो स्थिति है, इस एकांतवाद, इस बोझिलपना, दिल के ऊपर भार, ये सोच करके इंसान जो है जब अपने आप को ख़त्म कर लेता है, तो उसको जो है दुर्खिम ने इगोइस्टिक सुसाइड कहा है, है ना। ये इगोइस्टिक सुसाइड है क्योंकि इसमें सोसाइटी और इंडिविजुअल का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। दूसरा जो है वो है ऑल्टिरिस्टिक सुसाइड, जिसको कि अपन हिंदी में कहते हैं परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी यानी दूसरे के लिए, पर अर्थ के लिए, दूसरों के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर देना, दूसरे के लिए मर जाना, ये होता है परार्थवादी। इसमें भी इंसान अपने आप को खुद मारता है, क्योंकि अपन बात सुसाइड की कर रहे हैं, एंड सुसाइड इज एन एक्ट इन विच अ पर्सन किल हिमसेल्फ, है ना, नोविंगली किल हिमसेल्फ। इनकी आत्महत्या में वो सारी एक्टिविटीज शामिल है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान खुद करता है, और उसका जो एंड रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट है डेथ, उसको वो खुद जानता है और जानते हुए भी वो करता है, तो इसलिए उसको सुसाइड कहा जाता है। अब मान लो कोई एक इंसान है 20 माले से ऊपर कूद जाए, है ना, और उसको मन में ये विश्वास हो, नहीं नहीं मैं तो जो है मेरे पैर पहले टिक जाएंगे, मैं हाथ ऐसे टिका दूंगा और जो है मेरे कुछ नहीं होगा, मैं जंप कर जाऊंगा, है ना, तो दूसरा कोई समझदार इंसान सोचेगा तो पक्का ही सोच लेगा कि ये तो मरने के काम कर रहा है, लेकिन उस इंसान को ये यकीन है नहीं नहीं मैं तो बच जाऊंगा, और वो इस विश्वास के साथ कूदता है, तो वो सुसाइड नहीं है, समझे आप, वो सुसाइड नहीं है, वो एक हादसा है, एक्सीडेंट है ना, क्योंकि भले उसने बेवकूफ़ी की, है ना, लेकिन उसका विश्वास क्या था कि वो बच जाएगा, तो कहीं ना कहीं मरने के इरादे से वो नहीं कूदा, तो इसलिए वो सुसाइड नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट की बारीकी को समझना कि जब जानबूझ करके एंड रिजल्ट को सोचते हुए, जब उसको पता है कि वो मर जाएगा और फिर भी वो कोई कृत्य कारित करता है, एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो वो जो है वो सुसाइड होता है। तो अल्टरिस्टिक या परार्थवादी आत्महत्या की मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने, उसके अंदर देखिए, जैसे इगोइस्टिक में तो क्या बताया था मैंने कि सोसाइटी और इंडिविजुअल का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब समाज का और व्यक्ति का कोई लेना देना ही नहीं है, एक इस छोर पे, दूसरा दूसरे छोर पर, समाज को व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं होता, समाज जो है व्यक्ति की उपेक्षा करने लग जाता है, उसको अवॉइड करने लग जाता है, तो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं अपने आप को अकेला महसूस करता है और वो दुनिया छोड़ देता है। अल्टरिस्टिक या परार्थवादी में उल्टा है, इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति और समाज बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हो जाते हैं, कहीं न कहीं व्यक्ति के लिए जो है वो समाज ही सब कुछ हो जाता है, और वो समाज के लिए या समाज के व्यक्ति के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है, तो वो अल्टरिस्टिक है। इनकी दूसरे के लिए, मतलब समाज के लिए, दूसरे का लिए का मतलब ये है समाज के लिए। अब जैसे मान लीजिए एक सैनिक है, है ना, उसको जो है जो दुश्मन लोग हैं, एनिमी जो कंट्री है, दुश्मन देश है, उन्होंने उसको पकड़ लिया है, और अब उस इंसान को कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि अब जो है उसको जान से मार दिया जाएगा, या उसको बेहोश करके उसके सारे सीक्रेट पता कर लिए जाएंगे, अगर इस तरह की चीज़ हो, है ना। और इस सिचुएशन में इंसान क्या करता है कि अपने आप को जान से मार देता है। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था आपको, है ना, उसमें सोशल एक्शन में, इवेल्यूएटिव एक्शन के अंदर। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि इंसान जो है अपने आप को मार देता है, तो जब अपने आप को मार देता है तो ये किस लिए मारा उसने, समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो वो शहीद कहलाता है उस वक्त तो, है ना, जानबूझ करके अपने आप को मारा है लेकिन फिर भी वो शहीद कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दूसरे के लिए, या कई बार होता है ना कि भाई चलो इसकी खुशी के लिए मैं अपनी जान दे दूँ, है ना, चलो मैं नहीं रहूँ तो कम से कम पीछे ये तो खुश रहें, इस सोच के साथ में इंसान जो है अपने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, अपनी जान दे देता है, मतलब दूसरों के लिए, तो
तो इसमें कुल मिलाकर के इंसान जो है इगोइस्टिक में तो उसका अपना अहम इम्पोर्टेंट होता है, और अल्टीरिस्टिक में दूसरा इंसान उसकी जान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये फ़र्क है, एक में तो हूँ जो मैं ही जो सब अहम, और दूसरे में क्या है मेरी जान से भी ज़्यादा कोई दूसरा अहम है मेरे लिए, है ना, मेरी जान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और है, चाहे वो कंट्री हो सकता है, पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अल्टीरिस्टिक सुसाइड के अंदर इंसान दूसरों के लिए अपनी जान दे देता है, तो यानी कि इसमें सोसाइटी का जो है वो पर्सन के साथ में ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट होता है ना, तो इसलिए वो प्रैक्टिकली सोच ही नहीं पाता है। प्रैक्टिकली तो इंसान ये सोच लेगा कि यार मरे क्यों अपन, है ना, कोई दूसरा रास्ता निकाल देते, पर नहीं, तो इंसान को जो है वो सोसाइटी जो है उसकी पर्सनैलिटी को एक तरह से निगल लेती है, यहाँ पे अपने में पूरी तरह से ख़त्म कर देती है ना। तो ये होती है अल्टीरिस्टिक, जिसमें दूसरों के लिए जान देना। और तीसरी एनोमिक, है ना, जिसको असामान्य या विसंगत आत्महत्या भी कहा जाता है, एनोमिक सुसाइड। ये जो सुसाइड होता है, इस सुसाइड के अंदर कुछ अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उन अनसर्टेन सिचुएशन से इंसान कोप अप नहीं कर पाता है ना, तालमेल नहीं बना पाता है, एडेप्ट नहीं कर पाता है, और अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से क्या होता है कि अचानक से ही जो लाइफ में कभी कभी चेंजेस आते हैं उसके साथ में एडेप्ट नहीं कर पाने की वजह से इंसान आत्महत्या कर लेता है, वो होती है एनोमिक सुसाइड। जैसे मान लीजिए किसी का कोई लव वन, कोई परिवार का मित्र, कोई परिवार का सदस्य, कोई खास व्यक्ति अचानक से दुनिया छोड़ दे, मर जाए वो, और उस व्यक्ति को ये खबर मिले, तो वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, अचानक से ये जो उसके जीवन में चेंज हुआ है उस वजह से कई बार इंसान क्या होता है अपना संतुलन खो बैठता है और आत्महत्या कर लेता है। कई बार इंसान बहुत ज़्यादा खुश होकर के खुशी के मारे भी आत्महत्या कर बैठता है, पता ही नहीं चलता उसको, है ना। या मान लीजिए कभी कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, या और मतलब कुछ ऐसा हो गया हो विच इज समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, है ना, कुछ उम्मीद के परे एकदम से अचानक से घटित हो जाए, और अगर आपको समय मिल जाए थोड़ा सोचने का, तो हो सकता है आप तालमेल भी बना लो और सुसाइड नहीं भी करो। लेकिन ये जो छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसान ये तय नहीं कर पाता है, और उसको ये जो इमीडिएट महिला है, इमीडिएट जो अगर लॉस हुआ है तो उसके बारे में कुछ नहीं है, और इस सोच के साथ में इंसान जो है अपने आप को खो देता है, तो वो होती है एनोमिक सुसाइड, है ना। तो इसमें इंसान क्या करता है कि जो अनसर्टन सिचुएशंस है ना, तो इन तीनों ही टाइप्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुर्खी मानते हैं कि रोल जो है वो सोसाइटी का रहता ही रहता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि सुसाइड इज ए सोशल फैक्ट, है ना। देखने से आपको लगेगा कि भाई मरना तो आपकी इच्छा पे है, क्यों मरते हो, नहीं भी मरो, है ना, क्योंकि किसी के कहने से अगर मरेगा तो वो तो फिर वो तो हत्या हो जाएगी फिर, है ना, या आर्बिट्रेशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं दुष्प्रेरणा हो जाएगी, है ना। पर इसमें इंसान खुद मरता है, खुद मरता है तो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का रोल उसके अंदर रहता है। तो ये सुसाइड की थ्योरी है इमैनुअल दुर्खिम की। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दुर्खिम की जो थ्योरी है डिवीजन ऑफ लेबर की, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि ये डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो है, ये दुर्खिम ने अपनी पीएचडी के लिए जो रिसर्च वर्क किया था उसको पब्लिश कराया, तब ये एक बुक बन गई थी इनकी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और ये बुक जो है ये समाज के अंदर श्रम विभाजन या काम के बंटवारे को बताती है, है ना, और सोसाइटी के अंदर एकता और सॉलिडेरिटी के ऊपर अपने व्यूज को रखती है। इनका ये कहना है कि सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हमेशा ही पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा, कोई इंसान क्या काम करेगा, कोई इंसान क्या काम करेगा, है ना, इस तरह से। तो उन्होंने ये कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो कहीं ना कहीं हर सोसाइटी में होता है, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी हो
या फिर मॉडर्न सोसाइटी हो, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। एक तो सिंपल सोसाइटी होती है, प्रिमिटिव सोसाइटी या सिंपल सिंपल सोसाइटी, यानी कि इसमें वो होते हैं आदिवासी समाज, या जब मनुष्य इस सृष्टि पे उत्पन्न हुआ था तो बहुत ही सिंपल टाइप की सोसाइटी। और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो होती है वो होती है आज का समाज, जो हमारा वाला समाज है ना। तो ये कहते हैं इनकी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो गांव का समाज और शहरों का समाज, दूसरे अर्थों में समझने के हिसाब से। अल्लाह की दुर्खिम ने तो इसको वही है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, प्रिमिटिव एंड मॉडर्न के हिसाब से समझाया था, आपकी समझने के हिसाब से, कि एक तो गांव का समाज और एक शहरों का समाज है ना। तो अब ये कहते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं, पुराना जो सिंपल टाइप की सोसाइटी है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो जनरली जेंडर के बेस पर होता है ना, कि जिसमें महिलाएं जो हैं ये काम करेगी, पुरुष ये काम करेंगे, और इस तरह से जेंडर के बेस पर, कि महिलाएं घर का काम करेगी, पुरुष शिकार का या जो खेती का और ये काम करेंगे। तो केवल और केवल जो है प्रिमिटिव सोसाइटी, सिंपल सोसाइटीज के अंदर बहुत ही बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर का। और वहीं जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसके अंदर क्या होता है, हर काम को करने के लिए अलग प्रकार का एक्सपर्ट आपको मिल जाएगा है ना, बाल काटने के लिए अलग, लकड़ी का काम करने के लिए अलग, और लोहे का काम करने के लिए अलग, मोबाइल रिपेयर, टीवी रिपेयर, वॉशिंग मशीन, और भी आपकी जितनी भी तरह की ज़रूरतें हैं। आपको मकान बनाना है तो आज उसके लिए आर्किटेक्ट वगैरह अवेलेबल है आपके पास में, बीमार हो गए तो डॉक्टर है आपके पास में, आपको लीगल सर्विसेज चाहिए तो आपके पास में लॉयर हैं, तो हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। आपको जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो आपके पास में CA है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटीज़ हैं, उसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है ना। हर काम को करने के लिए अलग प्रकार के एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे, जबकि प्रिमिटिव सोसाइटीज या सिंपल सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता है। अब क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर के साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडरिटी, एकता या सुदृढ़ता की भावना या एकता की भावना हमेशा जुड़ी हुई रहती है ना। तो दुर्खिम ने प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर जो एकता पाई जाती है, जो सॉलिडरिटी पाई जाती है, उसको उन्होंने कहा मैकेनिकल सॉलिडरिटी, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। और जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं उसमें जो एकता पाई जाती है उसको उन्होंने कहा ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो दो तरह की सॉलिडरिटी की बात दुर्खिम ने की है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। अब मैकेनिकल सॉलिडरिटी है वो किस में पाई जाती है, प्रिमिटिव सोसाइटी में। प्रिमिटिव जो सरल प्रकार के समाज है उसमें मैकेनिकल सोसाइटी पाई जाती है। सुनने में उल्टा लग रहा होगा आपको कि जहाँ पे मशीनें मशीनें कुछ नहीं है वहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडरिटी। वो इस हिसाब से समझने की बात है कि ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी होती है इसमें क्या होता है कि जो सॉलिडरिटी या फिर जो एकता है वो सिमिलरिटी के बेस पर क्रिएट होती है। सारे लोग एक दूसरे के साथ में एकता किस आधार पर रखते हैं, समानता के आधार पर, क्योंकि सारे लोग जो हैं एक जैसे हैं। ग्रामीण समाज की अगर अपन बात करें, आदिवासी समाज की बात करें, या छोटे सरल समाजों की अपन बात करें, सिंपल सोसाइटीज की, तो उसमें क्या होता है कि सभी लोग सिमिलर होते हैं, सबकी प्रॉब्लम एक जैसी है ना, सबका जीवन एक जैसा, सब बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो एक जैसे होने के आधार पर उनमें एकता होती है, सॉलिडरिटी होती है, जिसको उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहा है। वो इसलिए भी कहा है कि वहाँ पे इंसान एक मशीन की तरह सारे के सारे काम खुद करता है ना, सारे के सारे काम एज ए मशीन वो खुद ही करता है। मैकेनिकल फॉर्म में एक इंसान अपने सारे काम खुद ही कर लेता है। बीमार हो गया तो वो खुद ही को जड़ी बूटी भी खा लेगा, मकान बनाना है तो वो झोपड़ी खुद ही बना लेगा, खेती करनी है तो खुद ही कर लेगा, शिकार करना है तो खुद ही कर लेगा। यूँ नहीं कि हायर किए हुए लोग उसने, ऐसा नहीं है। तो मैकेनिकली एक मशीन की तरह सारे काम खुद ही करता है, तो इसलिए इस सॉलिडेरिटी को दुर्खिम ने क्या कहा है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती है ना, जटिल समाज जिसको अपन कहते हैं महानगर, बॉम्बे, अहमदाबाद, चेन्नई,
कलकत्ता या जयपुर या इस तरह के जो शहरी समाज है, बड़े बड़े समाज हैं, वहाँ क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत ही एक यूनिक वे में देखने को मिलता है, क्लियर देखने को मिलता है। हर काम को करने के लिए एक अलग एक्सपर्ट होता है। तो इन सोसाइटीज के अंदर भी क्या होता है, सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। और वो सॉलिडेरिटी किस बेस पे होती है? डिससिमिलरिटी के बेस पर, डिफरेंसेस के बेस पर। अब यहाँ पे क्या है, हर इंसान अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करता है और अलग अलग तरीके से करते हुए हर एक को दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना। एक टीचर की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो आपको एक टीचर की भी हेल्प मिलेगी, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर की भी आपको हेल्प मिलेगी। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं, है ना। मैं एज ए टीचर अपना रोल प्ले कर रहा हूँ तो मुझे जो है दूसरे कामों के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनसे हेल्प लेता हूँ। तो इस तरह से क्या है, गिव एंड टेक का ये रिलेशनशिप जो है वो इन सोसाइटीज़ के अंदर, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। तो यहाँ वाली सॉलिडेरिटी को दुर्गम ने क्या कहा, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्यों कहा, क्योंकि ये ह्यूमन ऑर्गन की तरह होती है। जैसे ह्यूमन के ऑर्गन हाथ पैर आँख नाक मुंह कान सब क्या होते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। हाथ पकड़ने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है, मुंह बोलने का काम करता है, आंखें देखने का काम करती है। लेकिन ये सब के सब क्या है, सारे ऑर्गन अलग अलग काम करते हुए भी शरीर को तो एक बनाए रखते हैं ना। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर भी सारे के सारे लोग, जितने भी डिवीजन ऑफ लेबर लेबर में, सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक बनाए रखने में अपनी योगदान देते हैं। तो इसलिए ये सॉलिडेरिटी जो है वो कहलाती है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, क्योंकि ये ऑर्गन्स के सिस्टम्स के जैसी है। और मैकेनिकल सोसाइटी या मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या है कि जिसमें एज ए मशीन इंसान सारा काम खुद ही कर रहा है। ये इसलिए जो है सिंपल सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है जिसको उन्होंने कहा कि हर समाज के अंदर देखने को मिलता है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में इनके व्यूज थे। हालांकि डिवीजन ऑफ लेबर के क्या क्या फायदे हैं उसकी भी बात इन्होंने की है कि सोसाइटी व्यवस्थित रहती है वगैरह वगैरह। इसी तरह से जो है जो डिवीजन ऑफ लेबर के माइनस पॉइंट है या इसकी कमियां हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है कि लोगों को काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती है, इंसान को उसकी चॉइस का काम नहीं मिलता है, ये स्थितियाँ भी हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने जो प्रोज एंड कॉन्स है डिवीजन ऑफ लेबर के उसके बारे में भी अपनी राय रखी है ना। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में दुर्गम साहब के विचार हैं। अब जो है मामला आता है अपना दुर्गम का ये रिलीजन को लेकर है, इनके लिए है ना, रिलीजन धर्म। धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ओरिजिन जो है वो रिलीजन का किस हिसाब से हुआ, इसको लेकर के इनका इनके जो व्यूज हैं वो है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस बुक के अंदर एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। अब देखिए धर्म क्या है, अपन सब समझते हैं कि धर्म का सीधा सा संबंध अपन आध्यात्म से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने को क्या लगता है कि धर्म किसने बनाया होगा, ईश्वर ने बनाया होगा, भगवान ने बनाया होगा, ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है। क्योंकि धर्म का एसोसिएशन कहीं ना कहीं एक अलौकिक शक्ति से होता है, एक ऐसी शक्ति से होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जो दूसरी दूसरे जगत से संबंधित है ना। एक ऐसी शक्ति जो इस संसार को नियंत्रित करती है, जो हमारी शक्ति से बढ़ कर के है, उसको हम धर्म के साथ में एसोसिएट करते हैं। तो रिलीजन का ओरिजिन कैसे हुआ होगा इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे जो पुराने सिस्टम थे वो यही कहते थे। कोई कहता था, जैसे मैक्स मूलर ने कहा है कि नेचर नेचर से जो है वो ये धर्म की उत्पत्ति हुई है। कोई कहते हैं आत्माओं से धर्म की उत्पत्ति हुई है, टाइलर की थ्योरी है इसके अंदर, है ना, आत्मा से। कोई कहता है प्रकृति से, कोई कहता है भूत प्रेत से, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। इस तरह से अलग अलग तरीकों से धर्म की उत्पत्ति की बात की जाती है। पर हमारे दुर्गम साहब क्या कहते हैं, नो, सब गलत, रिलीजन एक सोशल फैक्ट है, धर्म जो है वो एक सामाजिक तथ्य है, समाज में पाया
पाया जाता है और इसकी उत्पत्ति के पीछे, इसके ओरिजिन के पीछे सोसाइटी ही रेस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी ने ही धर्म को बनाया है। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी ने धर्म को बनाया है या समाज ही धर्म की उत्पत्ति के लिए, ओरिजिन के लिए, रिलीजन का ओरिजिन के लिए, इफ एनीवन इज रेस्पॉन्सिबल दैट इज सोसाइटी इटसेल्फ, है ना, सोसाइटी से ही धर्म बना है। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के संबंध में जो अपने विचार रखे हैं ना, वो बेसिकली एक फील्ड स्टडी के ऊपर बेस्ड थे। इन्होंने क्या है, ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राइब है अरुंटा ट्राइब, उस अरुंटा ट्राइब की इन्होंने स्टडी करी थी और उसकी स्टडी के जो फाइंडिंग्स रही उसके बेस पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया, है ना। तो इन्होंने क्या है कि ये कहा कि भाई समाज ही धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, बाकी जितने ही आज तक आप कहते आए हो कि भाई आत्माओं से होता है, प्रकृति से होता है, वो सारे के सारे ढकोसले हैं, सारे के सारे जो है वो उनका कोई मतलब नहीं है, सारी के सारी सेंसलेस बातें हैं, इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है, कुछ नहीं है वो। अब सवाल ये उठता है फिर सोसाइटी ने धर्म को कैसे बनाया, है ना, सोसाइटी ने धर्म को कैसे बनाया। तो अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा ट्राइब की स्टडी करी तो उन्होंने ये देखा कि समाज के अंदर क्या होता है कि समाज के जो लोग हैं, समाज के लोग हमेशा ही दो तरह की चीज़ों की बात करते हैं, एक तो पवित्र और दूसरी साधारण, सेक्रेड एंड प्रोफेन, दो टाइप्स की वस्तुओं की बात होती है इनकी समाज में। क्या होता है, कुछ चीज़ें पवित्र होती है, कुछ साधारण होती है, सिंपल साधारण प्रोफेन, और कुछ होती है सेक्रेड या पवित्र, है ना। अब क्या होता है कि और समाज में जब पवित्र और साधारण दो प्रकार की वस्तुएं होती है और समाज के लोगों का हमेशा ही एक कांस्टेंट एफर्ट ये रहता है कि वो इन पवित्र या सेक्रेड चीज़ों को प्रोफेन या साधारण चीज़ों से अलग रखे, उनसे अलग रखें, मिक्स नहीं होने देते हैं वो दोनों को। पवित्र है तो पवित्र को हमेशा ही मतलब जो है वो ज़्यादा संभाल करके रखना, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, इज्जत रखना, है ना, उसको गंगा जल छिड़कना या जो कुछ भी अगरबत्ती लगाना, कुछ भी करना, मतलब उसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, और जो साधारण होती है वो तो चीज़ें साधारण है। तो पवित्रता के साथ में धर्म को इन्होंने एसोसिएट किया है। उन्होंने ये कहा कि समाज में दो तरह की वस्तुएं होती है, एक तो साधारण, एक होती है पवित्र, और पवित्र को हमेशा ही साधारण से दूर रखने के लिए कोशिशें होती है, और ये जो पवित्र को साधारण से दूर रखने के लिए जो कोशिशें होती है इसके लिए क्या होता है, कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, कई प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, कई प्रकार की सोशल गैदरिंग होती है, लोग आपस में मिलते हैं, है ना, ये जैसे चाहे आप इसको भजन कीर्तन कहो या नारा कहो, कुछ भी कहो, तो इस तरह के अनुष्ठान, इस तरह के आयोजन, इस प्रकार की गैदरिंग जनरली होती है केवल इसलिए ताकि सेक्रेड को प्रोफेन से अलग रखा जा सके। और चूंकि समाज का एक सैंक्शन होता है, समाज की एक स्वीकृति होती है इस प्रकार की गैदरिंग के लिए, इसलिए सब लोग ऐसा करते हैं। अब आप लोगों के आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कौन तय करेगा कौन सेक्रेड है और कौन प्रोफेन है ना, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये तो बड़ी आसानी से कह दिया कि भाई ये दो चीज़ें होती है, एक सेक्रेड एक प्रोफेन, प्रोफेन और सेक्रेड को दूर करने के लिए गैदरिंग होती है, गैदरिंग में लोगों की भीड़ होती है, समाज का दबाव होता है, और जो है लोग फिर उसी हिसाब से जैसा सब करते हैं वैसा करने लग जाते हैं। अब क्या है कि कौन सी चीज़ सेक्रेड होगी कौन सी प्रोफेन होगी, ये भी तय समाज ही करता है। और इसको समझाने के लिए दुर्खिम ने एक वर्ड काम में लिया, टोटम। टोटम टोटमेटिज्म एक सिस्टम होता है, ये जनरली ट्राइब्स के अंदर देखने को मिलता है। टोटम जो है वो एक प्रकार का सिंबल होता है, एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है जिसके प्रति एक आदर का भाव, श्रद्धा का भाव सारी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपने कोई ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में देखा हो कभी, है ना, टीवी में देखा हो, भले ही आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स जो होती हैं उनके घरों के ऊपर या उनकी दीवारों पर या उनके झंडे के ऊपर कोई विशेष प्रकार का चिन्ह बना हुआ होता है, चाहे वो सूरज बना हुआ हो, शेर बना हुआ हो, दीपक बना हुआ हो, नारियल बना हुआ, कुछ भी हो, हर एक का अपना एक सिंबल होता है। अब ये जो सिंबल है ना, ये उनका क्या कहलाता है, वो उनका टोटम है, उस सिंबल को कहते हैं टोटम, है ना।
अब वो लोग जनरली ये मानते हैं कि ये जो टोटम है ये उनके लिए जो है बहुत ही रेस्पेक्टेबल है, उस टोटम से उनकी जो है उत्पत्ति हुई है, या टोटम उनका पूर्वज हो सकता है, या फिर ये टोटम जो है कहीं ना कहीं उनके समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कोई पुराना साधन हो सकता है, या कोई एक ऐसा चिन्ह हो सकता है जिसका अतीत में कहीं ना कहीं कभी न कभी उस उनकी ट्राइब की रक्षा उसने की हो, तो कुछ भी हो सकता है, एक आदर भाव होता है। तो जो भी चीजें टोटम से संबंधित हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगी, वो सब के सब सैक्रेड होंगी, और बाकी की सारी चीजें क्या होगी, वो प्रोफेन होंगी, सामान्य होंगी। तो जो टोटम से संबंधित है वो सारी की सारी चीजें सैक्रेड या पवित्र, और जो टोटम से संबंधित नहीं है वो प्रोफेन या सामान्य। तो इसलिए क्या है कि ये हो गया पवित्रता और अपवित्रता का आधार, टोटम। टोटम या टोटम से संबंधित सारी चीजें पवित्र संसार में, और जो टोटम से संबंधित नहीं है वो साधारण। और समाज के लोग, संसार के लोग हमेशा इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि पवित्र और साधारण को एक दूसरे से दूर रखा जाए। टोटम एंड सॉरी प्रोफेन एंड सेक्रेट शुड बी कीप डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से अलग रखने के लिए क्या किया जाता है, कई तरह के आयोजन होते हैं, है ना, कई तरह की कोशिशें होती है, कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, और उन उत्सवों के पीछे पूरे पूरे समाज के सभी लोगों का दबाव होता है। और इस तरह से फिर क्या होता है कि समाज के इस दबाव के कारण ही क्या होता है कि एक धर्म की रचना होती है, चाहे वो उस टोटम में आस्था के रूप में हो, चाहे और किसी चीज़ में हो। तो कुल मिलाकर के ये समाज ही है जो हमारे अंदर धर्म का बीज बोता है। ये जो लोगों की गैदरिंग है, जो लोगों की सोच है ना कि भाई ये धर्म है, अभी लोगों की सोच नहीं होती तो हम मानते ही नहीं। अब जो नई जनरेशन आती है वो क्या है कि उनके ऊपर इनडायरेक्टली ये सब समाज के दबाव होते हैं, और उन दबावों के कारण ही क्या होता है कि वो उनकी आस्था धर्म के अंदर होने लगती है, वो उसी को ही सही मानते हैं। तो कुल मिलाकर के अब धर्म जैसी चीज जो कि दूसरी दुनिया की प्रतीत होती है अपने को, कि रिलीजन जो है वो दूसरी दुनिया की बात है, सब कहीं ना कहीं जो है एक शक्ति की बात है, ईश्वर की बात है, शिव जी गणेश जी हनुमान जी की बात है। और अपने दुर्खिम ये कहते हैं कि ये सब जो है इसी समाज में ही बनी है ना, इसी समाज के लोगों ने ही जो है इसको क्रिएट किया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि रिलीजन जो है वो भी कहीं ना कहीं समाज की ही उपज है, वो भी एक सोशल फैक्ट है ना, और कहीं से रिलीजन नहीं आया है, सोसाइटी से ही रिलीजन आया है, ऐसा दुर्खिम मानते हैं। ठीक है अक्षिता, आपका हैंड रेस किया आपने, यू वांटेड टू से समथिंग, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलो, यस सर हाँ बोलो। सर हाउ डज द गैदरिंग्स मेक श्योर द सेपरेशन ऑफ द सेक्रेड एंड द प्रोफेन? एक्चुअली दे आर मेकिंग सच टाइप ऑफ ओकेजन्स एंड वो कई तरह की जो उत्सव वगैरह होते हैं, गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब यहाँ पे यही है कि जो तरह तरह के जिसको अपन कह सकते हैं आयोजन होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए सेक्रेड और प्रोफेन दो चीज़ें हैं, और सोसाइटी की जो गैदरिंग और सोसाइटी के जो लोग हैं वो हमेशा ही, जैसे अपने समाज के अंदर भी होता है कई तरह के अपन जो है उत्सव आयोजन वगैरह देखते हैं, है ना, और वो उत्सव और आयोजन जो होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं समाज का एक प्रकार का दबाव होता है, मतलब सब लोग मानते हैं ना उसको। यहाँ पे गैदरिंग का मतलब यही है कि सेक्रेड और प्रोफेन को अलग रखने के लिए पूरे समाज का एक दबाव होता है, सब मिलकर के ऐसा करते हैं, और सब मिलकर के ऐसा करते हैं तो लोगों के ऊपर जो आने वाली जनरेशन है या फिर जो लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि ये गैदरिंग जो है लोगों को और ज्यादा मतलब दबाव डालने का काम करती है। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर सर बट अगर ऐसा होता है तो ये प्रोफेन और सेक्रेट को अलग नहीं रख रहे हैं पर बल्कि ये कर रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उनको सेक्रेट में दे मेक बिलीव देम कि सेक्रेट इज सेक्रेट इट इज ट्रू एंड दैट ऑल। हाँ, ये चीज काफी हद तक सही है। आने वाली जो जनरेशन है उस, क्योंकि मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, रिलीजन के ओरिजिन की बात कर रहा हूँ कि ओरिजिन कैसे हुआ,
कॉन्स्टेंटली कैसे चलेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ओरिजिन जो हुआ था ना रिलीजन, क्योंकि अपन क्या टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि रिलीजन का ओरिजिन किस ढंग से हुआ, तो ओरिजिन इस ढंग से हुआ था कि सेक्रेट को प्रोफेन से अलग रखने के लिए कई तरह के रिचुअल्स हुए, है ना, कई तरह के जो है कई आयोजन हुए, कई तरह की गैदरिंग्स हुई, कई तरह से लोगों ने उसके अंदर अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट किया, और उस तरह से जो है फिर वो रिलीजन का ओरिजिन हुआ। और फिर क्या है, धीरे धीरे आने वाले जो जनरेशन है वो उसमें तो वो जो एक एज ए कल्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ये चीज़ है। ओके सर, थैंक यू। और कोई पूछना चाहे तो बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दुर्खिम की थ्योरी में एक ही बात है कि उन्होंने और किसी फैक्टर की तुलना में जो है इसको सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है ना। जैसे अपन ने शुरू में ही देखा था, ऑगस्ट कॉम्ट ने पॉजिटिविज्म की बात की कि जो जैसा है उसको उसी रूप में समझना, उसी रूप में देखना। कार्ल मार्क्स जो हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैक्स वेबर को अपन ने बात की तो उन्होंने सोशल एक्शन की बात की थी, है ना, और ये जो है ये सोशल फैक्टर या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब इनका ये मानना है कि जो जो कुछ होता है वो समूह और समाज, भीड़, लोग, यही सब कुछ करते हैं, इन्हीं का ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है जो कुछ भी कहीं पे भी देखने को मिल रहा है। चाहे लोग अपने आप को मार रहे हैं तो भी वही वजह है, चाहे रिलीजन बन रहा है तो भी वही वजह है, समाज के अंदर अगर डिवीजन ऑफ लेबर अगर देखने को मिल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए या सोसाइटी के लिए ही है। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भी होता है वो सब के सब सोसाइटी के द्वारा ही होता है, जो भी सोसाइटी में होता है वो सोसाइटी से ही जो है इंस्पायर्ड है, बाकी कोई दूसरी चीज़ जो है वो नहीं बनाती है। तो एंड करें फिर इसको अपन, मेन बातें जो थी दुर्खिम की वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है, और कुछ आप पूछना चाहें तो फिर आज भी पूछ सकते हैं, बाद में भी कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो विद दैट नोट इसको ख़त्म करते हैं। हाँ मुकेश बोलो। सर, ये मैक्स वेबर की जो आइडियल थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप से, ये क्या है सर? मैक्स वेबर की जो आइडियल टाइप की थ्योरी है इसमें एक्चुअली ये होता है कि ये रिसर्च से संबंधित है। मतलब मैक्स वेबर ये मानते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर अगर रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए एक रिसर्चर को क्या करना चाहिए कि जिस टॉपिक का वो रिसर्च कर रहा है या जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो स्टडी करना चाहता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसको सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने से क्या होगा, कुछ मॉडल और कुछ आइडियल टाइप की जो है वो कॉन्सेप्ट उसको मिल जाएंगी, और उन मॉडल और आइडियल टाइप की जो कॉन्सेप्ट है उनको आधार मान करके वो अपनी रिसर्च को कर सकता है एज ए सैम्पल, है ना, एज ए सैम्पल वो उसको मिल जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि उसको इन डेप्थ रिसर्च करने की या डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो है वो जो एज ए सैम्पल जो उसको एज ए आइडियल टाइप जो उसको कॉन्सेप्ट मिले हैं उसके बेस पर भी वो रिसर्च को कर सकता है। तो रिसर्च को ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए, ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए ये आइडियल टाइप जो है वो काम में लिया। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को पहले से ही सेलेक्ट कर लेना, आइडियली सेलेक्ट कर लेना कि भाई ये इस कैटेगरी से है तो इस कैटेगरी का एक सैम्पल ले लिया और उस सैम्पल की स्टडी करना, ये चीज़ है। जी सर। सर एक और ये थ्योरी ऑफ एलिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन मतलब अलगाव का सिद्धांत, ये एक बार थोड़ा वापस वो तो बताइए। मैंने मार्क्स के बारे में बताया था, ये हाँ, वेबर की नहीं है। ये नहीं, ये वेबर में नहीं है, कार्ल मार्क्स का पूछ रहा हाँ हूँ सर। हाँ एलिनेशन का तो मैंने बताया था ना उस दिन कि उसमें ये होता है एलिनेशन या अलगाव, मतलब कहीं ना कहीं पे आजकल जो है, हालांकि अपन कई बार वर्ड जो है क्वारंटीन के लिए भी वर्ड ये काम में लेते हैं, अलगाव कहते हैं ना, क्वारंटीन करना मतलब अलगाव कर देना, लोगों को समाज से अलग करना या एक दूसरे को अलग कर देना, तो यहाँ पे वो सेंस नहीं है। अलगाव का मतलब ये है कि इंसान जो है, अब पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो लेबर है, जो मजदूर लोग हैं, वो क्या करते हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं,
मेहनत के बदले में मान लीजिए 8 घंटे मेहनत करने पर उनको 200 रुपये 400 रुपये या जो भी अमाउंट है वो मिलेगा उनको, तो उनकी जो लाइफ के जितने भी शौक है ना, उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनकी लाइफ की जो क्रिएटिविटी है, उनकी फैमिली, उनका घर, हर चीज़ से फिर जो क्या होता है कि एक तरह से उनका एक डिटैचमेंट हो जाता है अपने आप को, वो केवल और केवल वो एक ही लाइन पकड़ लेते हैं, भाई ये सुबह इतने बजे जाना है, शाम को इतने बजे आना है। मैंने एग्जाम्पल उस दिन ये भी दिया था कि जैसे कई लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग की, डांसिंग की, लेकिन एक टाइम आता ऐसा आता है लाइफ में जब इंसान को ये लगता है कि हॉबीज हॉबीज तो सब खत्म हो गई, अब तो कुछ भी नहीं है, है ना? तो ये जो कुछ भी नहीं है वाला जो सेंस होता है ना डिटैचमेंट का, ये होता है अलगाव। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल ये भी दिया था कि जैसे एक कोई आदमी है क्रिकेट का शौकीन है, खूब क्रिकेट खेलता है आज, है ना, क्रिकेट को लेकर के उसमें बड़ा जुनून है, और थोड़े टाइम बाद में ये पता चला कि अब क्रिकेटर तो बन नहीं पाया और एक क्रिकेट बनाने की फैक्ट्री के, वो क्रिकेट का बैट बनाने की फैक्ट्री के अंदर अब वो काम कर रहा है। तो सुबह से शाम तक मान लो उसने 15 बैट बनाए, उसके बदले में जो है उसको मजदूरी मिलेगी। तो अब वो जो बैट पहले उसके सपनों से संबंधित था, उसके जीवन से संबंधित था, उसकी खुशियों से संबंधित था, उसके शौक से संबंधित था, आज वो क्या हो गया है, आज उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस यही है कि ठीक है वो एक पीस ऑफ वुड है, वो बनाया, आगे दिया, उसके बदले में पैसा मिला। तो जो जो एक क्रिएटिविटी होती है उससे इंसान डिटैच हो जाता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में यही है कि इंसान जो है अपने अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रति, अपने खुद के प्रति, जैसे हॉबीज खत्म हो जाती है तो मतलब वो खुद से भी डिटैच हो गया वो, है ना? पहले हॉबी हुआ करती थी, अब वो हॉबीज भी नहीं, दोस्तों के साथ में बैठना करना वो भी खत्म हो गया। तो पूंजीवादी व्यवस्था का एक ये बहुत बड़ा दुर्गुण है, ये इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक कमी है कि इसमें इंसान जो है वो एलिनेट फील करता है, पैसा कमाता है और पैसे जो पैसा उसको मिल रहा है वो केवल वहीं तक सीमित रहता है, बाकी सारी चीज़ों से वो एक दूसरे वो बाकी सारी चीज़ों से वो डिटैच हो जाता है, अलगाव हो जाता है, मतलब एलिनेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और कुछ बचता ही नहीं है, फिर केवल एक ही लाइन पकड़ी हुई रहती है, सर, उसमें ही वो चलता रहता है, ये चीज़ है। एक लास्ट, उस दिन मैंने आपको पूछा था सर वो पॉजिटिविज्म के लिए, देखा हाँ, सर आपने पॉजिटिविज्म का क्या, तुम कुछ वो वो किताब एक में तो थे डॉक्ट्राइन का या कुछ है, तो मैंने कहा था ना फोन कर लेना अगर कोई ऐसी दिक्कत आए तो। नहीं, आपने बोला था वो कल देख के तुझे बता दूंगा, तो नहीं, तो वो डॉक्ट्राइन वाला तो क्या पूरा तो बता, क्या पूछना चाहते हो तुमने, ये क्या वो कोई डॉक्ट्राइन है, मैं डॉक्ट्राइन का ये वो पूछ रहा हूँ सिद्धांत। सर, उसमें दिया है कि मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म, इसमें एक पॉइंट है पॉजिटिविज्म रेफर्स टू, और दूसरा है पॉजिटिविज्म डिनोट्स टू। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिविज्म रेफर, तो फिर आगे आगे क्या लिखा हुआ है, रेफर्स टू को लेकर के आगे डिटेल में क्या लिखा हुआ है? डॉक्ट्राइन फॉर्मुलेटेड बाय कॉम्टे विच असर्टेड दैट द ओनली ट्रू नॉलेज इज साइंटिफिक नॉलेज, दैट इज नॉलेज विच डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द को एग्जिस्टेंस एंड सक्सेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमिना इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल एंड सोशल फिनोमिना। बिल्कुल, तो इसके अंदर वही तो बात है कि जो कुछ जैसा दिखाई देता है वही प्रत्यक्षवाद है, चाहे वो फिजिकली हो सोशली हो, जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं वो सब के सब जो हैं वो पॉजिटिविज्म से संबंधित हैं। जी और सर, जो पॉजिटिविज्म पॉजिटिविज्म और कुछ नहीं है, पॉजिटिविज्म का सीधा सा मतलब यही है, एनीथिंग विच इज़ ऑब्जर्वेबल, एनीथिंग विच इज़ डायरेक्ट, एनीथिंग जिसको आप जो है खुद जिसको फील कर सकते हो, जिसको आप इवेल्युएट कर सकते हो, वो सब के सब वो सारे फैक्ट जो होते हैं। क्योंकि देखो काउंट से पहले दुनिया में समाज को समझने के लिए हाइपोथेटिकल बातें ज़्यादा होती थी, है ना, समाज को समझने के लिए ईश्वर की बातें होती थी, प्रकृति, जो बताया था ना मैंने थियोलॉजिकल स्टेज और मेटाफिजिकल बिल्कुल स्टेज, और वो जी तो सर, वो सारी चीज़ें नहीं होकर के जो साइंटिफिक स्टेज है तीसरी वाली, ये है पॉजिटिव स्टेज, है ना? तो इसके अंदर मेन बात यही है कि जो इनकी जो डॉक्ट्राइन है, जो इनका सिद्धांत है, वो भी यही है कि जिसमें इंसान जो है बाकी सारे फैक्टर्स को नज़रअंदाज करके केवल फिजिकली और सोशली जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं उन्हीं को ट्रू मान करके आगे बढ़ता है, वो है पॉजिटिव अप्रोच।
क्योंकि सोसाइटी को जी सर, समझाने के लिए कई बार लोग ऐसे फैक्ट काम में लेते हैं जो बेसिकली सोसाइटी से संबंधित ही नहीं है। अब जैसे समाज किसने बनाया, या जैसे देखो दुर्खीम ने क्या कितना सही कहा कि भाई धर्म जो है समाज के अंदर है, तो ये एक सोशल फैक्ट है, समाज में ही बना है धर्म। पहले पहले कैसे समझाया जाता था कि धर्म जो है वो ईश्वर ने बनाया है, कोई ऐसी ऐसी शक्ति आई थी उसने जो है धर्म बनाया। हमारे समाज में भी चलता है ना, हजारों साल पहले कोई एक अदृश्य शक्ति आई उसने ये कह दिया, तो ये अदृश्य शक्ति नहीं, ये ईश्वर ने, ये सब बातें जो है कॉम्ट कहते हैं नहीं, कॉम्ट भी इन चीज़ों को जो है वो नहीं मानते। इसीलिए तो कॉम्ट का सक्सेसर माना जाता है दुर्खिम को, है ना, कि कॉम्ट ने जो बनाया था सोशियोलॉजी का फाउंडेशन रखा, उसको आगे बढ़ाने का काम दुर्खिम ने किया है। तो ये क्या है, इनका मतलब यही था कि इफ़ वी वॉन्टेड टू फॉर्म अ न्यू साइंस एज अ सोशियोलॉजी विच रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही है कि सोसाइटी को पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के साथ में स्टडी करना है। जो मिथ्स हैं या फिर जो रिलीजन की बातें हैं या फिर जो मेटाफिजिकल बातें हैं, उन सबको साइड में रख देना है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ जो पॉजिटिविज्म है वो यही है कि जिसमें फिजिकली और जो सोशली जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं उन्हीं को ट्रुथ कंसिडर करना। जी पहले सर, समझ विकास के पीछे लग गया, अगली बार गया। जाके भी सब कुछ हो गया। हाँ, और कुछ? नहीं सर, थैंक यू। हाँ, और नहीं समझ में आए तो पहले फोन पे भी बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ सर, हाँ। पूजा बोलो। तो सर, आपने सुसाइड के 3 टास्क बताए, लेकिन 4 होते हैं एक्चुअली, एक फैटलिस्टिक भी होता है जो आपने एक्सप्लेन नहीं किया। वो अल्टरिस्टिक को ही फैटलिस्टिक बोलते हैं बेटा, है ना। फैटलिस्टिक जो होती है ना, ये सोसाइटी के टाइप नहीं बताए थे, ये सुसाइड के टाइप हैं जिसमें सुनो मेरी बात सुनो, ये जो फैटलिस्टिक जो होती है ना वो अल्टरिस्टिक का ही एक टाइप है, वो उसी का सब टाइप है। फैटलिस्टिक में भी यही होता है कि जिसमें सोसाइटी के साथ में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। बेसिकली दुर्खिम ने तो 3 ही टाइप बताई थी, फिर बाद में जो इनकी थ्योरीज को आगे जब एक्सप्लेन किया गया तो इनकी जो एल्टीरिस्टिक है उसी का ही एक सब टाइप है फेटलिस्टिक, वो उसी का सब टाइप ही है उसके, वो भी एक ही चीज़ है। लेकिन सर, एल्टरिस्टिक में क्या होता है कि हम सोसाइटी को सबसे आगे रखते हैं, आपने एग्जांपल दिया मिलिटेरियन का, और फैटलिस्टिक में होता है कि रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसका एग्जांपल आएगा जेल, तो आप दोनों को एक कैसे कह सकते हो? नहीं तो इसके इसके अंदर भी तो यही हुआ ना फिर, ये जो है ये रूल रेगुलेशन के अंदर इंसान जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब सोसाइटी के साथ में पूरा मिक्स हो गया ना इंसान। सोसाइटी के जो रूल्स हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उसी में ही उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से समाहित हो गई है। और फेटल और उसमें अल्टीरिस्टिक में क्या होता है, उसमें भी तो सोसाइटी के लिए ही इंसान अपनी जान देता है। तो ये एक तरह से जो इसी का एक सब टाइप है, ये जो मेन 3 टाइप अपन ने बताई थी, एक में तो सोसाइटी से डिटैच हो जाता है, एक में सोसाइटी में पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, और एक में जो होता है अनसर्टेन सिचुएशंस होती है। तो ये फेटलिस्टिक जो होती है ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ही या सोसाइटी के अंदर ही इंसान का जो सेल्फ है वो डिजॉल्व हो जाता है, यही वाली चीज़ है। और सर, आपने अनोमिक के अंदर अनसर्टेन कंडीशन बताई, लेकिन उधर आपने बोला कि इंसान खुशी के अंदर भी सुसाइड कर लेता है, तो सर हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो आप इमोशन से कनेक्ट कर रहे हो ना, अनसर्टेन अनसर्टेन कंडीशन मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, फेमिना हो गया, इस टाइप की होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि खुशी के मारे भी तो इंसान कर बैठता है ना कभी कभी, रेयर होता है, रेयर होता है, रेयर होता है। लेकिन अगर मान लो खुशी भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाए कभी, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ऐसी खुशी मिल जाए, है ना, और वो खुशी के मारे जो है वो कहते नहीं खुशी के मारे मर जाऊं मैं तो तो एक चीज, जो हाँ बोलो। कार्ल मार्क्स से वो ट्रूली इंस्पायर्ड थे हेजल से, सर आप उसकी मिथोलॉजी एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ी बहुत? कार्ल मार्क्स और हीगल की ना, सर, हीगल ने आइडियाज़ की या विचारों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आइडियाज़ कैसे डेवलप होते हैं, तो वो डायलेक्ट से डेवलप होते हैं, है ना, कि थीसिस, फिर एंटीथेसिस और फिर सिंथेसिस, उससे आइडियाज़ जो है वो प्रोपागेट होते हैं।
ये हीगल की थ्योरी थी कि जो जो व्यूज हैं, जो आइडियाज हैं, है ना, सोसाइटी में कैसे प्रोपागेट होते हैं, कि वो डायलेक्ट से प्रोपागेट होते हैं. और डायलेक्ट क्या होता है? थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस. फिर सिंथेसिस में से ही वापस से जो है थीसिस निकलता है, फिर वापस से एंटाथीसिस आता है, और फिर सिंथेसिस होता है. और ये क्रम चलता रहता है इनकी, ये जो डायलेक्ट का जो एक सीक्वेंस है वो आगे बढ़ता रहता है. ये तो हीगल की थ्योरी थी, है ना, जो ओके सर, आइडियाज आइडियाज से संबंधित थे, है ना. और इसको कॉपी पेस्ट कर लिया कार्ल मार्क्स ने, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके लिए. उन्होंने कहा कि बिल्कुल डायलेक्ट से ही जो है वो प्रोपागेशन होता है, लेकिन इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी इसी तरह से ही होता है. जो समाज में बदलाव आता है वो भी इसी तरह से डायलेक्ट की वजह से आता है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, है ना. तो ये दोनों में सिमिलरिटी तो ये है, दोनों डायलेक्ट को जो है और थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस. फर्क दोनों में क्या है? एक आइडियाज के सेंस में बात करते हैं और दूसरा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, ये फर्क है दोनों में. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, कल बात करते हैं, है ना. कल सोरोकिन को डिस्कस करेंगे अपन. ओके, थैंक यू.